हेलो फ्रेंड्स, सुमिता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्जी, वो भी एक नए तरीके से। तो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। ये हमने कढ़ाई लिया है, गैस ऑन करेंगे। ये हमने 2 बड़ी चम्मच तेल की डाल दिए हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। हमने लिया है 1 पाव फूल गोभी। तो सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे और हमने इसको नमक के पानी से धो लिया है। ये देखिए गोभी हमारी हल्की ब्राउन हो गई है और हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। और हम इसको निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। लिया है हमने आलू, तो उनको भी फ्राई करना है। ये हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमने प्याज लिया है एक कट करके, इसको भी फ्राई करेंगे। ये 2 हरी मिर्ची लिए हैं हमने, 2 टुकड़े कर लिए हैं इनके। और ये हमने 5 से 7 लहसुन की कली लिए हैं, इनको भी फ्राई करेंगे। और ये 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, इसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज भी हमारा फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने 2 टमाटर लिए हैं, स्लाइस में काट लिए हैं। अब इनको भी फ्राई करेंगे ग्रेवी के लिए। ये भी हमारा फ्राई हो गया है, टमाटर प्याज और ये जो ग्रेवी के लिए फ्राई करे हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये हमने लोहा का तवा लिए हैं और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें जो हम खड़े मसाले हैं उनको रोस्ट करेंगे। ये हमने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच लेंगे हम तिल, सफेद वाली तिल। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है। और मोटी पैंदी के इसमें जो हम कढ़ाई या तवा जो भी कुछ लेंगे तो थोड़ी उसकी मोटी पैंदी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। ये देखिए हमारे मसाले हैं जो रोस्ट हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे और उनको एक प्लेट में निकाल के वो ठंडा कर लेंगे। तो ये लिया हमने मिक्सी का जार, जो हमने मसाले रोस्ट करे थे उसको इसमें डाल लिए हैं। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कलर वाली लाल मिर्च, आप चाहो तो साबुत लाल मिर्ची भी यूज कर सकते हो। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए सभी चीज हमारे मसाले तैयार हो गए हैं, अब सब्जी फ्राई करेंगे। तो सब्जी फ्राई करने के लिए हमने ये पैन लिया है और गैस ऑन कर दिए हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल की लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 टुकड़े तेज पत्ता के। जीरा भी हमारा चिटक गया है। अब इसमें जो हमने मटर लिया था उसको थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे। मटर हमारा हल्का फ्राई हो गया है, हल्का फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो ग्रेवी बनाए हैं वो। ग्रेवी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, देखिए तेल छोड़ने लगी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो मसाला हमने रोस्ट करा था वो सबसे पहले वो ऐड करेंगे। एक चम्मच हमने तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी,
नमक आपके स्वाद अनुसार कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच अमचूर पाउडर। अब इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए और अच्छे से पक भी गए हैं, तेल छोड़ने लगे हैं ये। अब इसमें ऐड करेंगे जो गोभी और आलू हमने फ्राई करा था, जो ये गोभी ऐड करेंगे। और ये आलू, ये देखिए ग्रेवी हमारी गाढ़ी है थोड़ी, और मसाले सभी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने जो ग्रेवी की कटोरी थी उसी में ले रखा था, वो पानी ऐड करेंगे। एक कटोरी पानी की और ऐड करेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी पक गई है। आधी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, ये ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर दिए गरम मसाला। अब इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गई है, अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए सब्जी हमारी बनके और तैयार हो गई है, अब इसको सर्व करेंगे। चलिए अब इनको सर्व करेंगे सब्जी को। और बहुत ही इस तरीके से सब्जी बनाई हुई, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। प्लीज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको धन्यवाद, और नहीं किया है तो कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।